दरअसल इनके जो शोहर हैं वो कराची में रहते हैं और ये पहली दफ़ा यहाँ पर आई हैं, तो मैंने इन्हें कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जब हम उधर गए तो पता नहीं वो एड्रेस फेक था और इनके शोहर के सारे नंबर्स भी बंद थे। घर आए मेहमान को हम हाथ से पकड़ के बाहर कर दे? मेरे पूछने का मतलब ये नहीं बीजान, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उसके आगे पीछे कोई होगा, कोई उसके रिश्तेदार होंगे, बाप भाई। आप कह रहे हैं लड़की उम्मीद से है तो उसका कोई शोहर होगा। हाँ तो रोहेल मियाँ ढूंढ रहे हैं ना, राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा उनके मियाँ से। कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं इस घर में, डर लगता है कि मेरी वजह से कोई तल्खी ना हो जाए। पता नहीं आप मेरी मौजूदगी का किस किस को जवाब देते फिरेंगे। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं, सबको मालूम है कि यहाँ पर आप बीजान की गेस्ट हैं। बीजान बहुत अच्छी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जानती हूँ मैं उन्हें, है ना? मेरी माँ है ही ऐसी, इट्स अमेजिंग। और रही बात बाकी फैमिली मेंबर्स की, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। और वैसे भी सबको मालूम है कि आप भी जान के गेस्ट हैं, सो अब रमशा बहुत अच्छी है, मैं मिली उससे। मेरा भी यही ख्याल है। हाँ चलता हूँ, बल्कि I'm sorry, मुझे याद आया आपके पास आपके शौहर की कोई तस्वीर होगी? हाँ शादी की है, एक तस्वीर होगी शादी की। तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। वो शुमाइला की शादी की मसरूफियात की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको भूल गया। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो मैं हूँ, मुझे बता दीजिए या फिर बीजान से कह दीजिएगा, वो कर देंगे। राइट, थैंक्स, आई एम ऑफ। एनीथिंग नीडेड? नो, ओके, ग्रेट, सी यू, बाय। मैंने तुम्हें कहा था इसी के जैसी ज्वेलरी मिल रही है। समझ नहीं आ रहा है दुपट्टा कौन से कलर का लूं। दुपट्टा हो जाएगा ज्वेलरी से। मुझे नहीं समझ पा रहा, पहले दुपट्टे का तो बता दें यार। बेटा दो खानदानों के दरमियान असल रिश्ता तो खुलूस का होता है, ये कपड़ा लत्ता जेवर ये सब तो देखने दिखाने की चीजें होती हैं, असल रिश्ता सिर्फ मोहब्बत है बस। लेकिन अम्मी जिस लड़की के घर वाले उसको कुछ नहीं देते, उसके ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं होती। शम्मू ठीक कह रही है बीजान, आजकल लोग दुल्हन को पैसों से तोलते हैं, खानदानी शराफत कौन देखता है। ठीक कह रही हैं आप, आजकल माशरे में हो तो यही रहा है, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो हम अपनी बच्ची को उसकी ख्वाहिश से बढ़कर दे रहे हैं। वरना आपको पता है कुछ खानदानों में तो बच्चियां जहेज ना होने की वजह से बैठी रह जाती हैं। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों की नसीब अच्छी करे। बीजान आपको तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, औरतों के वोट तो पक्के हैं। समरीन, अरे भाई मेरी अम्मी जैसा तो कोई भी नहीं। मेरी बच्ची, सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ बेटा बैठो। जी ताई अम्मी, अपनी मेहमान से कहना हमसे इतना दूर दूर ना रहा करें, अब हम इतने भी बुरे नहीं जितने नजर आते। रूही ये समरीना और इनके एफबी पर 20,000 फॉलोअर्स हैं। अच्छा बच्चों तुम लोग बैठो, हम चलते हैं। अब बेटा मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। बेटा हमारे खानदान में मेहमानों से काम करवाने का रिवाज नहीं। आप लोग बैठे। ये बैठो ना रूही। और अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, तुम क्यों काम करने का कह रही हो भला? घर में इतने सारे नौकर हैं, वो काम करेंगे क्यों समरी? हाँ भाई, खुदा हमें भी बीजान जैसा मेजबान दे। रोहिल ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या मेरे पैसे तुम्हारे नहीं है रमशोर? थैंक यू। रोहिल तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में मैं इन्वेस्टमेंट खुद करूँ अपने पैसों से, और डैड ने इसी मकसद से मेरा अकाउंट खुलवाया था। तो ये बात अभी की नहीं, पुरानी बात है। When I was in medical school, he wanted कि मेरा अपना खुद का हॉस्पिटल हो। तुम क्यों पढ़ रहे हो उन चक्करों में? इस कॉम्प्लिकेटेड छोड़ दो उसे। तुम कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो उसे। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। एकदम से अजनबी बन जाती हो तुम, जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं है। रमशा एक काम करते हैं, जब हमारी शादी हो जाएगी ना इंशाल्लाह, तो हॉस्पिटल में 100% इन्वेस्टमेंट तुम करना, विद 50% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना? यानी मुझे तुमसे प्रॉफिट मिलेगा रमशा? टाइम नहीं। ठीक है, सब खैरियत है? सब खैरियत है, बस बैठे बैठे थोड़ी थक गई थी तो खड़ी हो गई हूँ। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं रमशा को बुला सकता हूँ? नहीं तबीयत ठीक है मेरी, बस वो बैठे बैठे थोड़ी तकलीफ हो जाती है तो खड़ी हो जाती हूँ, कंफर्टेबल हो जाती हूँ। और रौनक है माशाल्लाह, शमो प्यारी लग रही है बहुत। शमो है प्यारी, हमारे घर की रौनक है। दिल तो उदास हो रहा है कि चली जाएगी, लाडली है ना सबकी, पर क्या करें, यही दस्तूर है।
तो वो मिलने आए ना रमशा को, घर में वापस रौनक हो जाएगी। रमशा, ये भी लंबा प्लान है। वो पहले हाउस वर्क करेगी, उसके बाद अपना हॉस्पिटल बनाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस करेगी, तो 2-3 साल की डील है। नॉट दैट इजी। काफी लंबी डील बना ली है आपने। क्या करें, मोहब्बत जो है। मोहब्बत वैसे बड़ी अजीब चीज है, जब आप उसमें होते हैं तो पता नहीं लगता, और जब वो चली जाती है तो फिर याद आती है। सॉरी मैम, आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं करी? नो नो, नॉट एट ऑल। तुम यहाँ हो? रूही भी आए? यस। ग्रेट, मुझे लगता है कोई सीरियस बात चल रही थी। मेरे होते हुए कोई सीरियस बात हो सकती है? ये भी है। ये इतनी अजीब सी क्यों है रेल? What's wrong with her? इतना अजीब सा बिहेव किया उन्होंने। तुम्हें पता है ये कौन है? हाँ, जितना बीजान और शम्मू ने बताया, that's it। क्या बताया उन्होंने? भाई यही बताया है कि शादी अटेंड करने यहाँ पे आई हैं, बीजान की गेस्ट हैं, and that's all I know। तुम्हें पता है रमशा, ये यहाँ पर मेरी वजह से। What do you mean, भाई? मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अम्मी ने कहा मैं वही करती जो तुमने किया है। और तुमसे भी मेरा यही सवाल है रमशा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? देखो रोहिल, तुम जानते हो कि मैं इस किस्म की सिचुएशन से जरा दूरी भागती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। नॉट एट ऑल। आज मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने तो अपना लाइफ पार्टनर चूज करके कोई गलती नहीं। I'm proud of you. Thank you, Amsha. Thank you so much. नहीं, मैं गाने का तो सवाल ही मत, गाना तो नहीं गाऊंगा। लो भाई, रुहेल मियां आ गए, और ये जो मशकूर मियां ना, ये इन्हीं के काबू में आ गए। क्या हुआ? ओह दैट, वादा किया था आपने। देखो देखो, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, और वो कर्जा ही क्या जो अदा हो गया। हैं हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है। आर यू डन बीइंग लेम? अब अहमद रुश्दी का गाना सुना दे हमें प्लीज आप। नहीं नहीं, अहमद रुश्दी नहीं, मुझे जो मेरा फेवरेट सिंगर है ना वो है ताहिर शाह। उसका गाना नहीं था वो आई टू आई, मुश्किल राग में है वो, बहुत मुश्किल राग में, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज। हाँ हाँ, आप करें मैनेज, कोई मजायका नहीं है, हम मुंतजर हैं आप गाएं। लेकिन बात सुने, ये ज़ुबैदा बेगम से पहले इजाजत ले लें। हाँ नहीं, ये जानिए मेरी तरफ से इजाजत है, खूब गाएं, जी भर के गाएं। आप लोग अगर इशार कर रहे हैं तो मैं गाता हूँ, लेकिन देखें यहाँ पे शीशे का सामान बहुत लगा हुआ है, अगर मेरी आवाज से टूट टाट गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अल्लाह अब्बू जान, सुना भी दे। अच्छा, गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं। वो कौन सा गाना है वो, चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना, चलेगा? खुशी के मौके पे आप ये गमजदा गाना गा के सबको रुलवाएंगे क्या? मैं गाऊंगा ना तो आप लोग रोएंगे, ट्रस्ट मी। बच्चा रोहेल,
रोहेल। All good. By the way, Dr. Rehana is my senior and she is really good. लेकिन क्या? लेकिन रोहेल, रोही प्रीमेच्योर लेबर में गई है तो कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ना? बेटा, जो बात है भी आप लोगों के दरमियान में, ये बात अगर भी जान तक ना पहुंचे तो ज्यादा बेहतर। लो बेटा ये दे दो मुझे। आप जाएं। मुझे लगता है कि हमें सबको बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह। जब रूही कैसी है? ठीक तो है ना? माँ और बेटी बिल्कुल खैरियत से हैं, मगर रूही को रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, व्हिच इज नॉर्मल, परेशानी की बात है। मैं मिल सकती हूँ उससे? ऑफ कोर्स मिल सकती हैं, लेकिन उसके रूम में आने के बाद। और वैसे तो अब मैं कल ही राउंड पे आऊंगी, आप मेरी मिठाई रात से लेकर आइएगा। लीजान। हाँ मेरा बच्चा, लीजान मैं यहाँ हूँ। मेरा बच्चा। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी की नेमत से नवाजा है, माशाल्लाह, मुबारक हो। ना मेरा बच्चा, रोते नहीं है। हाँ ये देखो, ये आ गई तुम्हारी प्यारी गुड़िया। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी जैसी नेमत से नवाजा है बेटा। तो क्या नाम रखे तुम्हारी शहजादी का? जो आप रखे। हीरा। हीरा नाम है हमारी शहजादी को। अभी तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है नानू ने अपनी हीरा के लिए। बिस्मिल्लाह। आजो भाई आजो, आजो भाई आजो, आजो भाई आजो। हाँ भाई, चलो जरा बातें बातें कर लो जरा। हीरा है? हाँ हीरा। बहुत दिनों के बाद पीजान के बगैर नाश्ता हो रहा है। आप लोगों को नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बात हुई अम्मी से अभी मेरी, रूही कमरे में आ गई और उन्होंने बेटी का नाम भी रख दिया। रियली? क्या नाम रखा है बच्ची का? हीरा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम। हम एक बात कहें, अगर बुरा ना लगे तो? बुरा लग भी सकता है।
डिपेंड करता है कि आप क्या कहने वाले हैं। क्या हो गया मशकूर मियां? ज़ुबैदा कहें आप? अम्मी रहने दें, यहाँ अपनों की कम खैरों की ज्यादा सुनी जाती है। बेटा ये तो हमें उसी दिन मालूम ही क्या था जब हम ब्याह कर इस घर में आए थे। खैर इस वक्त जो हम कहना चाह रहे हैं पता नहीं उस बात को कहने का हम हक रखते भी हैं या नहीं। ज़ुबैदा आपको हर वो बात कहने का हक है जो इस घर से मुतल्लिक हो, कहें जो आप कहना चाहते हैं। बड़े भैया देखिए ना, एक खैर लड़की जिसके खानदान का भी पता नहीं है, ना कुछ अता है ना पता है, और शौहर है भी या नहीं हम तो ये भी नहीं जानते, और हमारे घर वालों ने हाथों हाथ ऐसे लिया जैसे कोई इनाम मिला। घर में बेटी की शादी है और भाभी जान हॉस्पिटल में बराजम है। बड़े भैया बात कर भी है लेकिन मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं भी इस घर की बहू हूँ। ठीक कह रही हैं आप शशि, रूही घर भी और अनजान, लेकिन है तो औरत, एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, और इस वक्त में कौन उसके साथ खड़े? सिर्फ अम्मी, हालांकि उनका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं। चची जान जब खुदा अपने बंदे की मदद करना चाहता है ना तो वो खुद जमीन पे नहीं आता, अपने बंदों के दिल में उसके लिए रहम डाल देता है। और मेरी अम्मी जैसा तो कोई भी नहीं है। ये सब तो ठीक है रोहिल, मगर शमू की शादी हो रही है, लोग आएंगे तरह तरह के सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे अमन? ये सोचना आपका काम नहीं है। सही कहने बड़े भैया, ये मामला बीजान आके ही हैंडल करेंगी। बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में अपनों से ज्यादा गैरों की सुनी जाती है। बड़े भैया हमें चलना चाहिए अस्पताल, वही को देख ले। बच्चे का नाम क्या रखा? हेरा। हेरा हेरा, ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल। चले नाश्ता करें। नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, कंग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। हेरा ये नाम है ना हमारी प्यारी सी बेबी का? बीजान ने रखा। रियली? फिर तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि अगर आप बीजान की जान बन गई ना इसका मतलब है आप पूरी फैमिली की जान बन गई। बीजान आपकी भी बहुत तारीफ करती है। क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहू हूँ इसलिए, होने वाली अभी हुई नहीं हूँ। वैसे बीजान सबसे इतनी मोहब्बत करती है, शायद वे आप शायद सो रही थी तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ रुकूँ आपके पास, आपका बहुत ख्याल रखूँ ताकि वो घर जाके थोड़ा आराम कर सके। आपको तो पता है शादी का घर है, इतने सारे काम होते हैं करने वाले, दो दिन बाद बारात है। सब गड़बड़ हो गई मेरी वजह से। नहीं, नॉट एट ऑल, बाकी सारे इंतजाम तो पहले ही हो चुके हैं, पर जो लिखा है उसको कौन डाल सकता है भाई? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? ज़ारा से ज़्यादा आप शादी में शिरकत नहीं कर पाएंगी, और आपको करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको रेस्ट करना चाहिए, यू नॉट वेल। आप मेरी एक बात मानेंगी? कहें, क्या बात है? मेरे लिए कहीं और रहने का बंदोबस्त करते, जैसे कोई हॉस्टल वगैरह ढूंढते मुझे। अब क्यों, क्या किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं, आपने, बीजान ने, रोहेल ने, आप सबने बहुत साथ दिया है मेरा, अब बस मैं कहीं और रहना चाहती हूँ, मैं अब और तंग नहीं करना चाहती। आप प्लीज मुझसे वादा करें आप ये बात किसी को नहीं कहेंगे। मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती जिसको मैं पूरा ना कर सकूं। और पता है
इस वक्त सारे लोग शम्मो की शादी में मसरूफ हैं और इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी याद से गाफिल हो। वहां पे हीरा के आने से लोग ऐसे खुशियां मना रहे जैसे कि उनके घर में बेटी पैदा हुई। पता है आपको? So I would suggest, जिस तरह आपको किस्मत इस घर में लेकर आई है उसी तरह सब कुछ वक्त और किस्मत पे छोड़ दें। क्या पता हीरा की किस्मत के साथ आपकी किस्मत लिखी हो। आप बहुत अच्छे कमाओ। आपकी सारी चीजें यहाँ पे हैं, जो भी आपको चाहिए, पानी, जूस, फ्रूट्स, कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। जी बीजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? और हीरा कैसी? ठीक है बीजान, हीरा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अरे बेटा, आप भी सोचती होंगी कि बीजान तो ऐसी गई कि पलट के आई नहीं, है ना? नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बेटी को विदा करने से बड़ा तो फर्ज कोई होता ही नहीं, और इस फर्ज के आगे किसी भी फर्ज की कोई अहमियत नहीं। तो मैं भी माँ हूँ, एक बेटी की, समझ सकते हो? बेटा इंशाल्लाह कल हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हीरा को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। आप परेशान ना होइएगा। जी बीजान, आप भी। खुदा हाफिज़। ये ले जी, मसाला भी गरम 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 चाय। शुक्रिया। जहां तक मुझे याद है कि मैंने आखिरी दफा अपने हाथों से मरी में आपके लिए चाय बनाई थी जब हमारे रुहेल मियां के हाई स्कूल खत्म हुआ था। अभी तक याद है आप? कैसे भूल सकता हूँ, जिंदगी में चल एक बातें तो याद हैं जो मैंने अपने हाथों से आपके लिए की, उसे कैसे भूल सकता। ठीक है, उदास नहीं? आपको याद है जब शम्मो पैदा हुई थी, रोहेल मियां कितने खुश थे, सारा दिन उनसे खेलते थे जैसे खिलौना मिल गया उन्हें। और जब शम्मो सो जाती थी ना तो जिद करते थे कि उठाओ उसे। सारी माओं की तरह ना हमें भी इस बात का एहसास था कि हमारी बिटिया ने एक दिन रुखसत होके हमसे जुदा हो जाना। कितनी अजीब बात है ना, हम माएं अपनी बेटियों को अपने आप से जुदा करने के लिए कितने जतन करती हैं, दुआएं करती हैं, मन्नतें मानती हैं कि कोई शहजादा आए और
हमारी बिटिया को ब्याह के ले जाए अपने साथ। और जब वो ब्याह के हमसे दूर चली जाती है तो पता है क्या गजाले बेटे, आपकी माँ बहुत खुश नसीब थी कि उन्हें आप जैसी बेटी मिली, और मेरी बेटी उससे भी ज्यादा खुश नसीब है कि उसे आप जैसी माँ मिली। और अल्लाह ताला ने मुझे जो बीवी दी है ना, वो नसीब वालों को मिलती है। इससे पहले कि अब और बुरियत का शिकार हो जाए, रमशा को घर ले आए। हाँ, लेकिन इस बात का फैसला तो रोहिल और रमशा ने करना है ना। बहुत दूर अंदेश है आप। शुक्रिया। अच्छा हाँ, हमने कल हॉस्पिटल जाना है, तैयार रहिएगा आप हीरा से मिलने। जो हुक्म से राखो। सर दादा, एक बात करनी थी आपसे। कहिए। समझ नहीं आती कि एक गैर लड़की के लिए इतना झुकाव कुछ हद से ज्यादा नहीं है। हमारा ख्याल ये था कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा समझने वाला कोई और नहीं है। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं। ही नहीं है। पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर साहब, बच्चे भी नहीं है। आप लोग टेंशन ना लें, यही होंगी, मैं चेक कर लेती हूँ। मैं देखता हूँ।